आज पुनः आप लोगों के समक्ष एक नए अंदाज में एक नए वीडियो के साथ आया हूँ, जिसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का रिमेनिंग पार्ट्स, चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोगों को जानना है, या हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर की चर्चा करेंगे, प्रसरण दाब एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। दोस्तों आइए देखें प्रसरण दाब एवं प्रसरण दोनों अलग अलग दो भिन्न शब्द हैं। पहला है प्रसरण एवं प्रसरण दाब। इसके जानने से पूर्व हम लोग इससे संबंधित कुछ जानकारियां हासिल करनी होगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं मेम्ब्रेन के संबंध, इसका उपयोग, मेम्ब्रेन शब्द का उपयोग इसमें होता है। तो आइए पहले हम जानें मेम्ब्रेन क्या है, झिल्ली क्या है। दोस्तों मेम्ब्रेन ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बॉडी या ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल। जंतु तथा पौधे कोशिकाओं को जो कवर करता है, जो ढकता है, जो अस्तरित करता है, उसे लेयर। लेयर के संबंध में यानी झिल्ली के संबंध में हम लोगों ने जाना है और समझा। यह है मेम्ब्रेन, झिल्ली। जैसे मनुष्य के शरीर स्किन द्वारा अस्तरित या प्रोटेक्टिव है, इस प्रोटेक्टिव लेयर को या अस्तरित को हम मेम्ब्रेन कहेंगे, या जस्ट लाइक एग्जांपल्स ऑफ झिल्ली, इसको झिल्ली कहेंगे, जिससे दोनों अंदर से बाहर की ओर तथा बाहर की से अंदर की ओर पदार्थों का आवागमन होता है। जैसा कि आपने देखा हो, शरीर से पसीना बाहर निकलता है और जब पुनः यह शरीर को पानी में डाल दिया जाता है तो पानी एब्जॉर्ब करके फूल जाता है। तो दोनों परिस्थितियों में आपने देखा इस प्रोटेक्टिव लेयर से अस्तरित लेयर से पदार्थों का आवागमन हो रहा है। इस पदार्थों के आवागमन होने वाले प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल आर नोन एज मेम्ब्रेन, उसको हम झिल्ली कहते हैं। इससे पदार्थों का आवागमन भी होता है और नहीं भी होता। इसके आधार पर ये मेम्ब्रेन तीन प्रकार के होते हैं। तो आइए इसकी चर्चा करें। मेम्ब्रेन अस्तरित होने वाले पदार्थ, वैसे रासायनिक पदार्थ जो अस्तरित होते हैं, जो कवर करते हैं किसी को या ढकते हैं या प्रोटेक्टिव लेयर का कार्य करते हैं, उसे मेम्ब्रेन कहते हैं। टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, प्रकृति के आधार पर मेम्ब्रेन तीन प्रकार के होते हैं। पहला है नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन, अपारगम्य झिल्ली, वैसी झिल्ली जिससे किसी पदार्थ का गमन असंभव होगा, यानी वैसे मेम्ब्रेन जिससे किसी पदार्थ का आवागमन संभव नहीं है। जैसा कि आपको शायद याद होगा, जो काफी दशक पहले वो भी फिल्म आई थी जिसमें ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया के साथ कश्मीर की पथरी टॉप का एक सीन है, जिसमें एक गाना है जो अंदर से ना कोई बाहर जा सके और बाहर से ना कोई अंदर। That is called examples of non-permeable membrane,
ये नॉन परमेबल मेम्ब्रेन का, ना तो कोई पदार्थ बाहर जा सकता है ना बाहर से कोई अंदर आ सकता है, यानी परागमता असंभव, इसमें परागमता नहीं। दूसरा है परमिएबल मेम्ब्रेन, परागम झिल्ली, वैसे झिल्ली जिसमें या वैसे मेम्ब्रेन जिनसे सॉल्यूट तथा सॉल्वेंट दोनों के कणों का गमन संभव होता है, यानी वैसी मेम्ब्रेन, वैसी प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बॉडी जिनसे पदार्थ के कण अर्थात सॉल्यूट तथा सॉल्वेंट ऑन द रिस्पेक्ट ऑफ द सॉल्यूशन, ऑन द बिहाफ ऑफ द सॉल्यूशन, दैट मीन्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के कण आ जा सकते हैं। जैसा कि सौतन की बेटी का एक गाना था, जब मम्मी ने अलाउ कर दिया, परमिट दे दिया तुझे ले जाने का, रखने का, दैट इज कॉल्ड बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ परमिएबल मेम्ब्रेन, जस्ट लाइक ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को एसएमपी कहा जाता है शॉर्ट में, अर्ध पारगम झिल्ली। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर्स, ये ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं एसपीएम, जिनका उपयोग हम बार बार करेंगे। अर्ध पारगम झिल्ली, वैसी झिल्ली जिनमें वल्ली सॉल्वेंट के अणु या कण परागम होते हैं, सॉल्यूट के नहीं, वैसे मेम्ब्रेन जिससे केवल वल्ली वन पासेस थ्रो सॉल्वेंट पार्टिकल नॉट सॉल्यूट पार्टिकल, यानी वैसी झिल्ली जिनसे केवल सॉल्वेंट के कण ही पास करेंगे, सॉल्यूट के कण नहीं, यानी सॉल्वेंट के कणों का आगमन गमन करने की परमिशन है, सॉल्यूट के कणों का नहीं, क्योंकि वे रिस्ट्रिक्टेड है। जैसे हम ऐसा कर सकते हैं, अलाउ द पासेस ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब आइए परमिएबल मेम्ब्रेन एसपीएम यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का बहुत ज्यादा उपयोग है, तो ये दो प्रकार के होते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, एक नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और दूसरा सिंथेटिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसको कहेंगे, प्राकृतिक अर्ध पारगम झिल्ली, यानी वैसी झिल्ली गिफ्टेड बाय नेचर, जिसको हम लोगों के पास प्रकृति ने भेजा, प्राकृतिक प्रदत्त झिल्लियां जिसको नेचर द्वारा निर्मित है, जैसे एनिमल ब्लैडर, एनिमल ग्रंथियों को आपने देखा हो, जिससे बहुत सारे, जैसे आंख, एस्टोमच, जब हम खाना खाते हैं तो बहुत सारा पदार्थ उसमें अवशोषित होती है और बहुत सारा बाहर निकल जाता है, तो एनिमल ब्लैडर, सेलफोन पर्चेंट पेपर, इट इज नेचुरल सीएसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कमजोर के साथ साथ अशुद्ध भी होते, इनमें इंप्यूरिटीज होती, जैसे एनिमल ब्लैडर है तो देखे होंगे जब ये कमजोर होता है, टूटने का, फटने का या चोट लगने से डिस्ट्रॉय होने का डर होता है, एंड इंप्योर भी होता है और अशुद्ध भी होता है। दूसरा है सिंथेटिक परमिएबल मेम्ब्रेन, जो संश्लेषित है, मैनमेड है, जो मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं, उसे हम कहते हैं सिंथेटिक परमिएबल मेम्ब्रेन, जैसे कॉपर फेरोसाइनाइड्स, पुसिब्लू, कैल्शियम फॉस्फेट, इट इज, ये सब मनुष्य द्वारा निर्मित एसपीएम है जिनका उपयोग हम लैब में करते हैं, ये काफी मजबूत एवं शुद्ध होते हैं। अब हम लोग देखें इनके जानने के उपरांत हम लोग जानेंगे ऑस्मोसिस, व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक प्रक्रिया है जिनके द्वारा किसी पदार्थ
आवागमन होता। तो आइए ऑस्मोसिस का मीनिंग ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का मतलब होता है परासरण। यह ऑस्मो ग्रीक वर्ड से बना है जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है टू पुश, धकेल देना। किसको धकेल देना? धक्का देना, टू पुश, यानी सॉल्वेंट के कणों को धक्का देना। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं जे इसमें एसपीएम का ही महत्व है। तो एसपीएम झिल्ली द्वारा एक ओर से दूसरे ओर सॉल्वेंट के कणों को पुश करना या सॉल्वेंट के अणुओं को पुश करना, ऐसी प्रक्रिया को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। जैसा कि अकॉर्डिंग टू अबे नोबलेट, अबे नोबलेट साहब फ्रांस के वैज्ञानिक थे, केमिस्ट थे, जिन्होंने 1748 में कहा कि प्योर सॉल्वेंट का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर घोल की ओर या तनु घोल से सांद्र घोल की ओर स्वतः प्रवाह या गमन होने की प्रक्रिया को ऑस्मोसिस कहते हैं। दैट इज द स्पोंटेनियस प्रोसेस फ्लो और पासिस ऑफ सॉल्यूट इनटू ए सॉल्यूशन और फॉर्म्स ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन टू ए कंसंट्रेटेड वन थ्रो ए एसपीएम इज नोन एज ऑस्मोसिस। दोस्तों ऐसा कहा गया जो ऑस्मोसिस प्रक्रिया में तनु घोल से सांद्र घोल की या शुद्ध सॉल्वेंट से घोल में सॉल्यूट के कणों की स्वतः यानी अपने आप स्पॉन्टेनियस प्रवाह होने की प्रक्रिया को ही हम ऑस्मोसिस कहते हैं। जैसे आपके समक्ष ये एक लिखा एग्जाम्पल दिया गया है, जरा इस पर विचार कीजिए। ये एक जार है जिसके ये जार में दोनों तरफ पदार्थ भरा हुआ है, एक तरफ शुद्ध सॉल्वेंट है तो दूसरी तरफ क्या है, सॉल्यूशन है, और दोनों के बीच एसपीएम का लेयर है। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। जैसा कि आपने पढ़ा है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से केवल सॉल्वेंट के कण ही जाने की परमिशन है, अलाउड टू फ्लो ओनली पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो इससे देखें जे ये इतनी मात्रा में सॉल्वेंट के कण है, अणु है, और इधर सॉल्यूशन के कण है, और एसपीएम से होकर स्वतः सॉल्वेंट के अणु सॉल्यूशन की ओर जाते हैं, और यह प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक कि दोनों तरफ सांद्रता बराबर ना हो जाए, दोनों सॉल्वेंट तथा सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जब तक बराबर नहीं होगी तब तक यह प्रक्रिया स्वतः चलती रहेगी, स्पॉन्टेनियस चले, और यह इसके कण को टू पुश इधर की ओर धकेल देता है, और यह स्वतः प्रवृत्त होने के कारण इसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है ये डाइल्यूट सॉल्यूशन और ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और बीच में एसपीएम है। एसपीएम के लेयर से सॉल्वेंट के कण यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन के कण कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर फ्लो कर रहे हैं। ये तब तक फ्लो करेंगे जब तक दोनों इनकी सांद्रता बराबर नहीं हो जाती, अर्थात ऑस्मोसिस प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक कि कंसंट्रेशन बोथ आर इक्वल, दोनों तरफ दोनों साइड उनकी सांद्रता बराबर नहीं हो, और कंसंट्रेशन बराबर होने के साथ ही यह प्रक्रिया स्वतः रुक जाती है। दोस्तों ये चार बातों को इंगित करती है।
इससे स्पष्ट होता है कि ऑस्मोसिस प्रक्रिया स्वतः ऑस्मोटिक प्रेशर द्वारा रुकती है। जब तक दोनों तरफ सांद्रता बराबर होगी प्रक्रिया स्वतः रुक जाएगी। यह डिफ्यूजन नहीं होती है, यानी विसरण की क्रिया नहीं है, लेकिन विसरण की क्रिया की एक विशेष अवस्था है। चूंकि विसरण में एसपीएम नहीं होते हैं, एब्सेंस ऑफ एसपीएम, उसमें भी पदार्थों का मिश्रण होता है, स्वतः मिश्रित होता है। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध भी दो पदार्थ आपस में मिलते हैं और इसी मिलने की प्रक्रिया को विसरण कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं, लेकिन उसमें एसपीएम नहीं होती। अर्थात ऑस्मोसिस को डिफ्यूजन नहीं कहा जा सकता, बट इट इज स्पेशल टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन। कुछ विशेष परिस्थिति में यह डिफ्यूजन जैसा व्यवहार करती है, जैसे ये एसपीएम का बीच में पार्टीशन रखने पर यह स्वतः शुरू होगी और कुछ क्षण बाद स्वतः जब दोनों तरफ सांद्रता बराबर हो जाएगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर द्वारा यह स्वतः रुक जाएगी। इसे ही हम कहते हैं ऑस्मोसिस, यानी यह स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्वतः प्रवृत्त प्रक्रिया है। दोस्तों आइए इनका कुछ बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है जो हम लोगों के दैनिक जीवन में प्रत्येक दिन उपयोग होता है और हम लोग इसको देखते हैं, लेकिन इससे कोरिलेट नहीं करते। जैसा कि हमने देखा है दोस्तों, ये पौधे को आपने देखा होगा, लंबी लंबे वृक्ष हैं जिनके जड़ में हम पानी डालते हैं और 40 फीट 30 फीट ऊपर उनके पत्ते में जल की बूंदें वहां पहुंच जाती है। कैसे पहुंचती है, क्यों पहुंचती है, क्या रीजंस है? ऐसी ऑस्मोसिस प्रक्रिया द्वारा जल की बूंदें पौधे के जड़ से पौधे के पत्तियों तक पहुंचती है। दूसरा आपने देखा होगा ये जब एनिमल सेल को या प्लांट सेल को जब पानी में डाल दिया जाता है तो उनके जो लेयर्स प्रोटेक्टिव लेयर्स है, यानी एसपीएम का मेम्ब्रेन है, वे पानी एब्जर्ब कर लेते हैं और एब्जर्ब करके फूल जाते हैं, उनमें फूलन हो जाती है और फूल के लास्ट में वे क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। इस फटने की क्रिया को और फूलने की क्रिया को तथा फूल कर फटने की क्रिया को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ये एक प्रकार की बीमारी होती है दोस्तों जो मनुष्य में पाई जाती है, जिसको पील पाव कहा जाता है या हथिया पाव कहा जाता है। ये एडिमा नाम की बीमारी होती है जिसमें मनुष्य के शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। हम ऐसा भी देखे हैं जो जो मनुष्य नमकीन भोजन करता है उनके शरीर में द्रव्यमान के अनुसार 0.9% NaCl की मात्रा होती बढ़ जाती है, जिसके कारण वे जल की काफी बूंदें एब्जर्ब कर लेती है और एब्जर्प्शन के उपरांत उनके शरीर में स्वेलिंग शुरू हो जाता है और उनका शरीर फूल जाता है और पूरा शरीर फूल कर इडिमा का रूप ले लेता है, जिसके शरीर में स्वेलिंग है। जैसे हम लोगों ने ऐसा भी देखा ए फंक्शन ऑफ किडनी, यानी किडनी की जो क्रियाविधि है वो ऑस्मोसिस पर ही निर्भर करती है। यानी क्या करता है किडनी, इम्प्योर ब्लड को प्योर करता है, यानी आपके अंदर शरीर के अंदर से जो नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थ है उनको फिल्ट्रेट करता है, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस प्रोसेस। तीसरा एग्जांपल हम दे सकते हैं, हम सूखे हुए किशमिश को लें और उस किशमिश को पानी में डाल दें, क्या होगा, फूल जाए,
क्योंकि जैसे ही उसको पानी में डालेंगे तो किशमिश का जो ऊपर वाला लेयर है वो एसपीएम का बना होता है, और वो क्या करता है, जो जल के अणु यानी सॉल्वेंट के अणु को अपने में एब्जॉर्ब करता है, यानी ऑस्मोसिस द्वारा वह फूल जाता है, तथा फूले हुए किशमिश को यदि हम नमक की गोल में ढाल दें, दोस्तों इससे मुख्यतः चार बातें या चार बातें स्पष्ट होती है। पहला, ये ऑस्मोसिस की प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक दोनों तरफ दोनों पदार्थों की सांद्रता बराबर ना हो जाए, उसके उपरांत यह स्वतः रुक जाती है। ऑस्मोसिस प्रक्रिया ऑस्मोटिक प्रेशर द्वारा रुकती है। तीसरी बातें हैं, ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि डिफ्यूजन्स में भी दोनों कण यानी सॉल्वूट तथा सॉल्वेंट के कण का प्रवाह होता है, जबकि ऑस्मोसिस में केवल सॉल्वेंट के कणों की प्रवाह होती है, सॉल्यूट के कणों की नहीं। डिफ्यूजन्स में एसपीएम की उपस्थिति नहीं होती, परंतु ऑस्मोसिस में एसपीएम की उपस्थिति सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसा कहा जा सकता है। ये ऑस्मोसिस डिफ्यूजन की एक विशेष अवस्था जिनमें केवल सॉल्वेंट का फ्लो न कि सॉल्वेंट। दोस्तों आइए हम अपने दैनिक जीवन में प्रत्येक दिन घटित होने वाले घटनाओं पर विचार करें और इससे ऑस्मोसिस का क्या रिस्पेक्ट है, क्या रिलेशन है, इस पर हम विचार करें और देखें। आपके जीवन में प्रत्येक दिन जो घटना घट रही है उसमें ऑस्मोसिस की एक अहम भूमिका महत्वपूर्ण रोल है, जैसा कि आपने देखा हो, परंतु आपको इसकी जानकारी नहीं है। जैसे इसका फर्स्ट हम लोगों ने देखा है कि 30 फीट लंबे 30 या 40 फीट लंबे पौधे की जड़ में पानी डालते और पानी के कण उनके पत्तियों तक यानी 30 से 25 फीट की हाइट तक, 500 फीट के पौधे हैं तो 50 फीट हाइट तक जल के अणु वहां पहुंच जाते। तो कौन से प्रोसेस से, क्या उनको कोई पहुंचा देता है या पाइप लगा के हम लोग चढ़ा देते हैं? नहीं, उनके अंदर जो वास्कुलर बंडल पाए जाते हैं उसके कारण जल के अणु उनके जड़ से पौधे तक पहुंच जाते हैं, इसी ऑस्मोसिस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचते हैं। दूसरा सिग्निफिकेंस हम ऐसा कह सकते हैं या विनोडेट हम लोग जानते हैं, ब्लड प्लाज्मा भी द्रव्यमान के अनुसार 0.9% NaCl की मात्रा होती है। यदि ब्लड सेल को पानी में रख दिया जाए या जल में रख दिया जाए तो जल के अणु ऑस्मोसिस द्वारा ब्लड सेल में प्रवेश कर जाते हैं, जिनके कारण वे फूल जाते और ब्लड सेल फूल कर फट जाते। इसी प्रक्रिया को हम हेमोलाइसिस कहते हैं, और हेमोलाइसिस एक प्रकार की बीमारी है, जैसे पांव फूल जाता है और फूल के फट जाता है, आपने देखा हो, ड्यू टू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के कारण यह घटना घटित होती है। ठीक इसी से संबंधित हम एक और बात को शेयर करें आपके समक्ष, जो मनुष्य नमकीन भोजन अर्थात यदि नमकीन भोजन करता है तो उनके शरीर में साल्ट की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी उनकी शरीर में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा साल्ट का, उसके कारण वे जल के अणु को ज्यादा अवशोषित करने लगेंगे उसके शरीर में, और जब अवशोषित करेंगे तो उनके शरीर में सूजन हो जाएगी, वो फूल जाएगा और पूरा शरीर स्वेलिंग हो जाएगा। इस बीमारी को हम ईडिमा, आपने देखा होगा किसी किसी व्यक्ति का शरीर
जरूरत से ज्यादा मोटा हो जाता है या फुला हुआ हो जाता है। ये एडिमा के कारण होता है। उसमें भी ऑस्मोसिस की अहम भूमिका होती है, क्योंकि वे नमकीन भोजन करते हैं और उनके शरीर में नमक की मात्रा बढ़ जाती है, और तब तक पानी या जल के अणु एब्जॉर्ब करते रहेंगे तब तक कि दोनों की सांद्रता बराबर ना हो जाती। तीसरा है ड्राई फ्रूट्स का एग्जाम पूछ लेते हैं, जैसे ड्राई किशमिश और उसको पानी में डाल देते हैं, या चने के कण को पानी में डाल देते हैं, जो कोई भी ग्रेन्स जिसको हम पानी में डाल देते हैं, तो उनके सारे जो ऊपरी कवर है, प्रोटेक्टिव लेयर है, यानी मेम्ब्रेन है, वो एएसपीएम के बने होते हैं, और उसी मेम्ब्रेन के कारण उनके वे जल के अणु को अपनी ओर अवशोषित कर, और ये ऑस्मोसिस के कारण, और ऑस्मोसिस के कारण ये स्वतः होता है, और तब तक होता रहेगा जब तक दोनों उनकी मॉइस्चर की सांद्रता बराबर न हो जाती, जिसके कारण वह फूल जाए, और फूले हुए ग्रेन को या ड्राई फ्रूट्स को या किशमिश को यदि हम नमक में डाल देते हैं तो आप देखते हैं जो वह चिपक जाता है। क्यों? जल के अणुओं को नमक अपने में अवशोषित कर, वहां भी ऑस्मोसिस प्रक्रिया ही होती है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स जो फूले हुए हैं उनके बाहर जो नमक है उसकी सांद्रता ज्यादा है, और तब तक उनके जल के अणु को वो अपनी में अवशोषित करते रहेगा तब जब तक कि वे दोनों तरफ सांद्रता सामान्य न हो जाए। यहां भी ऑस्मोसिस की अहम भूमिका होती है, जिसको आप डेली आपके जीवन में, प्रत्येक दिन आपके जीवन में घटित हो रहा है, लेकिन आप इस चीज को समझ नहीं पा रहे। दोस्तों आपने देखा हो, आपके घर में यदि आप मांसाहारी हैं तो आपने देखा होगा कि आपके घर में मांस मछली बनते हैं, तो मांस या मछली को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्टिव लेयर के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? नमक लगा देते हैं उसको। जैसे ही नमक लगा देते हैं या नमक के ऊपर रख देते हैं तो क्या करता है, उनमें जो जल के अणु है उसमें अवशोषित कर लेता है, वह चिपकने लगता है, जिससे वह उसमें फंगस बैक्टीरिया डेवलप नहीं कर पाता, जिसके कारण वह खराब होने से बच जाता है। यह भी इसी ऑस्मोसिस के गुण है, और इसी ऑस्मोसिस के कारण यह भी घटना होती है। तब इसको कहा जाता है प्रिवेंटिव ऑफ फूड्स, फ्रूट पौधे फ्रूट्स या मांस मछली का संरक्षण किस प्रकार करें, तो उसमें भी ऑस्मोसिस की ही अहम भूमिका होती है। दोस्तों आइए हम इस एब्जॉर्प्शन के आधार पर या सांद्रित को डाइल्यूट में रखने के अनुसार, या डाइल्यूट को, जैसे कि फूले हुए किशमिश को जब हम जल में ये नमक के घोल में रखते तो उसके अनुसार, या सूखे हुए किशमिश को जब जल में डालते हैं उसके अनुसार, यानी पारगम्यता के आधार पर हम इस ऑस्मोसिस के दो वर्गों में विभक्त करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, ऑन द बेसिस ऑफ परमिएबिलिटी, यानी परागमता के आधार पर ऑस्मोसिस दो प्रकार के, एक है इंडो ऑस्मोसिस और दूसरा है एक्सो ऑस्मोसिस। आइए इसकी विशेष चर्चा करते हैं। आइए देखें ये टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो, यानी परागमता के आधार पर ऑस्मोसिस दो प्रकार के। पहला है एक्सो ऑस्मोसिस। एक्सो मींस बाहर की ओर, यानी टू पुश सॉल्वेंट पार्टिकल्स इन आउट, दैट मींस सेल के एसपीएम से होकर सॉल्वेंट का बाहर की ओर स्वतः गमन एक्सोऑस्मोसिस का होता है। जैसे ये आप एक जार देख रहे हैं, जो इस जार में साल्ट
नमक का घोल तथा इसमें अंगूर को रख दिया गया ग्रेप्स। ये अंगूर का जो ऊपरी लेयर है वो एसपीएम का बना, सेमी परमियेबल मेम्ब्रेन। तो अंगूर के अंदर का कंसंट्रेशन कम है तथा जार के अंदर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इसके अंदर से बाहर की ओर जल के अणु निर्गत होंगे और स्वतः निर्गत ऑस्मोसिस द्वारा, और अंगूर क्या होंगे सिकुड़ जाएंगे और तब तक होते रहेंगे जब तक कि अंगूर के अंदर तथा ये साल सॉल्यूशन दोनों की सांद्रता बराबर नहीं हो जाती। उसको हम कहते हैं एक्सोस्मोसिस, यानी बाहर की ओर सॉल्वेंट के कणों का फ्लो बाहर की ओर। दूसरा एग्जांपल है इंडोस्मोसिस। इंडोस्मोसिस को कैसे हम डिफाइन करें, एसपीएम से होकर सॉल्वेंट का बाहर से सेल के अंदर की ओर गमन करना की प्रक्रिया को इंडोस्मोसिस कहते हैं। जैसे ड्राई किशमिश, ड्राई किशमिश का प्रोटेक्टिव लेयर एसपीएम का बना हुआ तथा इसको सॉल्वेंट यानी शुद्ध जल में डुबो दिया, तो देखा जाता है कि एसपीएम द्वारा जल के अणु अंगूर के अंदर प्रवेश करता और स्वतः प्रवेश करता। इस क्रिया को इंडोस्मोसिस कहते हैं, यानी अंदर की ओर प्रवेश करता शेल के अंदर और ये फूल जाता, इसे इंडोस्मोसिस कहते हैं। एक टर्म्स आता है प्लाज्मोलाइसिस। दोस्तों प्लाज्मोलाइसिस क्या है, ऑल एनिमल एंड प्लांट से और प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से अस्तरित सभी जंतु तथा पौधक पादप कोशिकाएं प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, अस्तरित होते, जिससे सेल यानी सॉल्वेंट का ऑस्मोसिस होता है। अर्थात दोस्तों एनिमल या प्लांट सेल को जब हम जल में रख देते हैं तो वह फूल जाता है, यानी जल के अणु उसमें अवशोषित हो जाते हैं ऑस्मोसिस द्वारा, तथा फिर उस एनिमल या प्लांट सेल को नमक में रख देते हैं यानी साल्ट सॉल्यूशन नमक के घोल में रख देते हैं, तो जल के अणु सेल से बाहर निकल जाते हैं और चिपक जाते हैं, और एक समय चिपकने के कारण प्रोटोप्लाज्म नष्ट हो टूट जाता है, यानी साइटोप्लाज्म सब अवशोषित होकर के समाप्त हो जाता है और अंतोगत्वा वह मर जाता है, डेथ कर जाता है। इसी को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, यानी साइटोप्लाज्म की समाप्ति, प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल इज डिस्ट्रॉयड इज डेथ बाय ऑस्मोसिस इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने ऑस्मोसिस की ही चर्चा की, ऑस्मोटिक प्रेशर की नहीं, और कल एक नए वीडियो के साथ पुनः ऑस्मोटिक प्रेशर की चर्चा करें। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को संपूर्ण रूप से देखें, क्योंकि आपके डेली लाइफ में दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली सारी क्रियाएं ऑस्मोसिस द्वारा निहित है, जिसका एग्जाम्पल इसमें दिया गया है। और ये वीडियो आप यदि आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, वेल आइकॉन बटन को क्लिक करें तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी समझ अपनी जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। धन्यवाद दोस्तों।